वेल हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, ये कमेंटों के ऊपर है। जो आप कमेंट डालते हो मेरे चैनल पे, जो आप डिटेक्टिंग सीख रहे हो, जो आपके सवाल होते हैं उनके ऊपर, और ये सारे सवाल सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और आज मैं इन सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो के अंदर डालने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, आपके क्वेश्चन मेरे आंसर और पार्ट थ्री उसका। तो यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर एजाज अली जी ने एक सवाल पूछा है, क्या मेटल डिटेक्टर परचेस करना और रखना लीगल है? तो दोस्त, बिल्कुल लीगल है, क्योंकि भारत सरकार खुद इंपोर्ट करवा रही है, कस्टम ड्यूटी भरवा रही है। अगर बैन होता तो प्रोडक्ट इंडिया में मिलता ही नहीं। अच्छा, उनने आगे पूछा है, अंडरग्राउंड सर्च करने में कोई जुर्म होता है? तो भाई, इसके लिए आप इंडियन लॉ देखें, और सबसे पहले मेरा मेटल डिटेक्टिंग का लीगल और इलीगल वाला वीडियो सबसे पहले देख लें। अच्छा, दूसरा हमारा सवाल करा है गुरुचरण प्रधान जी ने। उन्होंने पूछा, भैया बाउंटी हंटर मेटल डिटेक्टर 10 से 15 20 का फुल इन्फॉर्मेशन एक वीडियो बना। तो ऐसा है कि मैंने वीडियो तो पहले से बना रखी है चैनल पे, बाकी 10,000 जूनियर TID, 15,000 गोल्ड डिगर और 20,000 रुपये ट्रैकर फोर, ये वीडियो मेरी लेटेस्ट वीडियो है अभी चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। अतुल गुप्ता जी का सवाल है, भैया बिगनर के लिए सबसे सस्ता डिटेक्टर कौन सा रहेगा 5,000 में? तो दोस्त, ऐसी बात है कि 5,000 में सस्ता डिटेक्टर तो आएगा नहीं, बाकी चाइनीज़ मिलते हैं, और बाकी अमेज़ोन पे ये बाउंटी हंटर या दुनिया भर के डिटेक्टर जो भी बताते हैं, ये सारे काउंटरफिट आते हैं। तो सबसे पहले तो जिनाइन चेक करो, मतलब कि वेबसाइट पे जाओ, बाउंटी हंटर की कौन डिस्ट्रीब्यूटर है वो चेक करो, उसके बाद ही लो। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे 10,000 से बाउंटी हंटर की रेंज शुरू होती है। अच्छा, कुंवर जी ने बोला है 5 साल की वारंटी और क्या चाहिए, ये मेरे वीडियो की लाइन थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को इतना अप्रिशिएट करते हैं। एजाज भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोला इन्फॉर्मेशन अच्छी दी मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार यहाँ पे एजाज अली जी ने एक और बार सवाल पूछा है कि मैनी मैनी थैंक्स, आज मेरा सवाल का जवाब मिल गया। मतलब उनने एक सवाल करा था पहले, तो उसका जवाब उनको मिल चुका है एक वीडियो देखने के बाद मेरा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। अच्छा, यहाँ पे संदीप जी पूछते हैं, फिशर F22 की डेप्थ कितनी है? तो दोस्त, डेप्थ डिपेंड करेगी कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितना छोटा ऑब्जेक्ट है, कितना पुराना ऑब्जेक्ट गड़ा हुआ है और कितना नया गड़ा हुआ है। जितना पुराना जितना बड़ा उतनी ज़्यादा गहराई, जितना छोटा जितना कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उतनी कम गहराई। नया ऑब्जेक्ट गाड़ोगे जितना छोटा होगा उतनी कम, और जितना बड़ा होगा नया उतना ज़्यादा गहरा, लेकिन जहाँ पुराना गाड़ा होगा वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा ही मिलेगी आपको। डेप्थ के लिए और वीडियो देखें। सार चंद्र ढोले जी का सवाल है, बहुत सुंदर भाई, मेरा एक ही सवाल है, पायरेट गोल्ड या फॉल्स गोल्ड होता क्या है? तो भाई, पायरेट गोल्ड और फॉल्स गोल्ड नेचुरल गोल्ड की एक कैटेगरी होती है, मतलब जो नेचुरल सोना जो ज़मीन में से निकलता है उसी की एक कैटेगरी होती है, और इसके बारे में मैं एक डिटेल से वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगा, पर अभी एक वीडियो पहले से चैनल पे है गोल्ड नगेट के ऊपर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेलिंग का वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। मोहम्मद तोसी जी का सवाल है कि 18 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो मशीन आती है, जो सस्ते रेट में हो, जो नेचुरल गोल्ड ढूंढ सके, ऐसी उनको बताना है। तो दोस्त, ऐसी बात है कि सस्ती तो गोल्ड नगेट हंटिंग के लिए कोई मशीन नहीं आती, और गोल्ड बग 2 वर्ल्ड का बेस्ट डिटेक्टर है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, और ये 89,999 से शुरू है। अच्छा, अगली बात यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि गोल्ड नगेट हंटिंग एक अलग तरह की हंटिंग होती है, जो कि नेचुरल सोने को ढूंढने के लिए होती है, और अगर आपको नेचुरल सोना थोड़ा भी मिल गया तो आपके डिटेक्टर के पैसे ज़रा में कवर हो जाते हैं। तो सस्ता मिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सादरचंद ढोले जी ने एक बार फिर से बोला है कि सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट अगेन आई वॉन्ट टू सी योर वीडियोज ओनली। मतलब उनको मेरे ही वीडियो देखने हैं, मगर उनको सर्च करते में कुछ मिक्सअप वीडियो मिल जाते होंगे यूट्यूब पे, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ बताओ जिससे कि उनको मेरे ही वीडियो देखने मिले। तो सर, रजत भान सिंह तोमर चैनल टाइप करिए यूट्यूब पे डायरेक्ट नाम, और चैनल के अंदर वीडियोस पे जाइए, और लगातार वीडियोस आने लगेंगे, और आप चला के देख सकते हैं हर एक वीडियो मेरा, और शुक्रिया। सुखराज सिंह जी का ये कमेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने लिखा है मेरे को कि भाई, आप मेटल डिटेक्टिंग प्रमोट करने काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्त, बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ भारत में कानून में संशोधन हो, जिससे कि हम भी विदेशियों की तरह अपने भारत में खजाने ढूंढ सकें, और अपने भारत में भाई ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारे भारत में लोग बाग बहुत गाड़ते थे, गड़ा हुआ धन बहुत लोगों को मिलता है, और आज भी मिलता है, पहले के टाइम पे भी मिलता था। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिटेक्टिंग में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सीखें। मुकेश अग्रवाल जी का सवाल है कि 15,000 से 20,000 का डिटेक्टर बताऊं मैं उन्हें? तो भाई, 15,000 से 20,000 के बीच में 3 डिटेक्टर आते हैं। वैसे तो एक जूनियर टारगेट आईडी वाला आता है, TID जूनियर,
बाउंटी हंटर का, उसके बाद गोल्ड डिगर और 20,000 में आएगा आपका ट्रैकर 4। ये तीनों डिटेक्टर काफ़ी अच्छे डिटेक्टर हैं और 5-5 साल की वारंटी के साथ आते हैं, तो आप इनका वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो में पड़ा हुआ है। अच्छा, सुखराज सिंह जी बोल रहे हैं कि F11 डिवाइस पर सर कोई अच्छा वीडियो बना। तो दोस्त, F11 सारी डिवाइसेस सेमिनार के दिन चली गई थी इसलिए वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन अब जो आएंगी उनका वीडियो मैं बहुत ही जल्द चैनल पे बिल्कुल असेंबल के साथ डेमो के साथ लेके आऊँगा, पक्का रहा। तो यहाँ पे गज्जू वासु जी ने पूछा है कि सर जो टारगेट ओवर रेज हो जाता है उसका एक वीडियो बताइए। तो सेमिनार में मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई ओवर रेज होता है, कोई बड़ा टारगेट जब हमारे डिटेक्टर के पास आता है वो ओवर रेज हो जाता है, और कोई भी टारगेट बिल्कुल डिटेक्टर के पास रहता है तो ओवर रेज हो जाता है, कोई सिग्नल नहीं देता, बस वो आवाज़ करने से बंद नहीं होता। तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। हरिनाथ चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं जो आपने कमेंट डाला, वेरी गुड वीडियो। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप। भरत कुमार जी ने सवाल पूछा है कि मेटल डिटेक्टर कौन सी फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। तो दोस्त, किलो हर्ट्स में फ्रिक्वेंसी छोड़ता है मेटल डिटेक्टर, ये चीज़ याद रखना। और ये मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मतलब तरंगे होती हैं जो कि मेटल डिटेक्टर छोड़ता है, जो कि किलो हर्ट्स में हम इनको नाप सकते हैं। तो यहाँ पे मेटल डिटेक्टर किलो हर्ट्स में मैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। तो यहाँ पे अगला सवाल संतोष जी ने कमेंट डाल के पूछा था कि सर मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ डिटेक्टर कब तक आएंगे। तो संतोष जी, बहुत ही जल्द 25 तारीख के आसपास डिटेक्टर आपको देखने में मिल जाएंगे, 25 से 28 के बीच में, पूरा यकीन है मुझे कि डिटेक्टर आपको जोधपुर ऑफिस के अंदर रखे हुए मिलेंगे। और ये बात कन्फर्म है, 25 से 28 के बीच में डिटेक्टर आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे जिन जिन ने बुकिंग करा ली है। तो आप सब लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कर। तो यहाँ पे प्रेम जी ने कमलेश सर का नंबर मांगा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नंबर लिंक की डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पहले और वीडियो के एंड में पक्का आपको देखने को मिल जाएगा। और अगली बात ये कि मेरा नंबर जो है वो 9713246828, तो ये नंबर आप लिख लीजिए और याद रखिएगा ये मेरा। तो यहाँ पे सुखराज सिंह जी ने फिर से पूछा है कि सर F11 को ग्राउंड बैलेंस करने के लिए काय की ज़रूरत होती। तो ग्राउंड बैलेंस उसमें होता ही नहीं है भाई, ऑटोमेटिक मशीन है, टर्न एंड गो। और F11 का वीडियो मैं आपको सुखराज सिंह जी बहुत ही जल्द बना के डालूंगा, क्योंकि आप लोग ही मशीन ले लेके चले गए थे जिसके कारण हम आपको बता नहीं पाए, वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अब आने वाले टाइम में प्रोडक्ट आने वाले हैं उनके हम वीडियो शूट करेंगे और बाकायदा आपको ऑपरेटिंग के सारे वीडियो बताएंगे। और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप एक छोटी क्लिप शूट करके मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप। सौरभ रॉय जी ने पूछा है कि गोल्डबग 2 क्या सर वाटरप्रूफ होता है, नदी में डाल सकते? तो दोस्त बिल्कुल गोल्डबग 2 वाटरप्रूफ है, कब तक आपको मेन यूनिट को पानी के अंदर नहीं डुबाना है, बाकी कोयल को डुबा के खूब चला सकते हो आप पानी के अंदर, लेकिन वो भी 1 इंच तक, मतलब कम से कम 8 इंच या 7 इंच तक ही डुबाएं, ज़्यादा ना डुबाएं। नरेंद्र सिंह परमार जी ने पूछा है कि ट्रेजर हंटिंग के लिए क्विक ड्रॉ प्रो कैसा रहेगा। तो सर ये टर्न एंड गो मशीन है, इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना है जिसपे आपने एक कमेंट डाला है, काफ़ी अच्छी मशीन है। और जैसे ही ये मशीन आएगी तो इसका डेमो का वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पे लेके आऊँगा। विजय जैना जी, F44 कितने किलो हर्ट्स मशीन है, ये मैं आपको अभी बता दूँ, 7.69 किलो हर्ट्स की ये मशीन है। F44 का आप चाहें तो वीडियो अच्छे से देखिए, इससे पहले भी मैंने F44 की फ्रिक्वेंसी से लगा के हर चीज़ के बारे में एक वीडियो चैनल पर डाला है जो कि बहुत पुराना हो चुका, आप उसको ढूंढ के और देखें। अंशुल अजीम जी ने जो कहा है कि सर मेटल डिटेक्टर ज़मीन के कितने नीचे तक सर्च कर सकता है, तो भाई ऐसी बात है कि मेटल डिटेक्टर ज़मीन के काफ़ी नीचे तक सर्च कर सकता है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और कितना पुराना वो गड़ा हुआ है। जितना पुराना और जितना बड़ा होगा उतने नीचे तक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, और जितना छोटा जितना नया होगा उतना कम वो डिटेक्ट करता है, ये चीज़ ध्यान रखें। अभिमन्यु जी ने जो बात कही है कि राइट एंड गुड से ग्रेट मैन, तो शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत, आपने मेरे वीडियो पे कमेंट करा और आप लोगों के ऐसे ही कमेंट आते रहें जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं मेटल डिटेक्टिंग के ऊपर से। वृंदावन से सौरभ जी ने कमेंट करा है कि वो काफ़ी गरीब हैं और डिटेक्टर नहीं ले सकते, पर वो कोशिश करेंगे मेटल डिटेक्टर के गिव अवे में मेटल डिटेक्टर को जीतने की। तो सौरभ जी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आप मेटल डिटेक्टर के गिव अवे में पक्का डिटेक्टर जीत सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ना जीते, आप सब लोग जीत सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को एक डिटेक्टर मिले। सौरभ जी का सवाल है क्या मेटल डिटेक्टर रेत में काम करेगा? जी हाँ बिल्कुल करेगा, रेत में क्यों नहीं करेगा भाई। रेत का ग्राउंड मान लिया हाईली मिनरलाइज्ड होता है और सबसे ज़्यादा मिनरल्स वाला होता है, लेकिन डिटेक्टर रेत में काम करते हैं, बाकी डेप्थ जो है डिटेक्टर की घट जाती है क्योंकि मिनरलाइज ग्राउंड होता है।
अच्छा, यहाँ पे सऊदी अरब से मेरे को नंबर दिया गया था और बोला गया था सर कॉल कर लें। तो दोस्त मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अरब के साइड के डीलरों को कॉन्टेक्ट करें जो जेनाइन डीलर हों फिशर में, या फिर जेनाइन हों मतलब बिल्कुल जो वेबसाइट पे जेनाइन डीलर हों उन्हीं को संपर्क करें आप डिटेक्टर लेने। इस वाले कमेंट में तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, चाहे वो वीरेन जी हों, चाहे वो वर्मा जी हों, चाहे वो प्रधान जी हों, चाहे वो अभिमन्यु जी हों, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे मेरे को और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो ला के दिखा सकूँ। तो यहाँ पे दो लोगों ने मेटल डिटेक्टर के रेट पूछे, मिथिलेश वर्मा जी ने दो तरह के डिटेक्टरों के रेट पूछे, एक 30,000 की रेंज में और एक F11 का। तो दोस्त F11 30,000 में आराम से आ जाता है, लेकिन ये GST लगने के बाद 35,200 रुपये के लगभग या 35,000 कुछ रुपए के लगभग बनता है, 18% इस पर GST लग जाता है। और 30,000 की रेंज तक आप जूनियर टारगेट ID देख सकते हैं, गोल्ड डिगर देख सकते हैं और बाउंटी हंटर का ट्रैकर फोर, ये तीनों डिटेक्टर 30 से 35,000 के बीच में आपको पड़ जाएंगे, मतलब 30,000 से कम में भी पड़ जाएंगे। चंदनलाम जी पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा डिटेक्टर बताइए जो 4 से 5 फिट काम कर सके और चेक करने के बाद ही लें वो। तो भाई ऐसी बात है कि आप 4 से 5 फिट तक अगर चेक करना चाहते हैं तो आपकी एक गाड़ी जो होती है ना बड़ी सी, बड़ा सामान गड़ाइए 4 से 5 फिट पे, कोई भी डिटेक्टर हो, दुनिया का कोई भी डिटेक्टर हो डिटेक्ट करेगा। अगर बड़ा मेटल होता है तो बाकायदा गड़ने के बाद वो डिटेक्ट करता है, नए मेटल पे कम डिटेक्ट करता है, वो पुराना जितना होगा और जितना बड़ा सामान होगा उतना ज़्यादा डिटेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो डेप्थ के वीडियो के लिए आप मेरे और वीडियो देखें जिससे आप डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अब यहाँ पे लाइव वीडियो बनाने की मांग की है भाई सरबजीत जी ने। तो दोस्त लाइव वीडियो बहुत जल्द आएंगे चैनल पर ज़्यादा लाइव आप सोचो कि डगिंग करते हुए बता दें तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे भारत का थोड़ा कानून अलग है, आप समझ सकते हो, और YouTube इंडिया की पॉलिसी भी अलग है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान से भी कमेंट आया कि पाकिस्तान में कहाँ से खरीद सकते हैं। तो सर आप अपने देश में जेनाइन डीलर ढूंढे कि डिस्ट्रीब्यूटर आपके यहाँ है कौन और उनसे आप खरीद सकते हैं। अच्छा, F75 या नोक्टा इम्पैक्ट इन मशीन में से कौन सी लूँ, परमार जी का सवाल है। तो मैं आपसे प्रेफर करूँगा कि अगर आप ऑलराउंडर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, दोनों चीज़ें ढूंढना चाहते हैं, तो आप नोक्टा लें, और बाकी ट्रेजर हंटिंग ही करना चाहते हैं, वाकई रियल ट्रेजर हंटिंग करना चाहते हैं, तो F75 से बेस्ट डिटेक्टर अभी वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है। एजाज भाई ने अभी तक मेरे को मेरे चैनल पर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है, मेटल डिटेक्टर की शान रजत भान। तो शुक्रिया भाई, आपने इतना अच्छा मेरे लिए लिखा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ जिससे आप लोग खुश रहें, आप लोग मेटल डिटेक्टिंग कर सकें, ट्रेजर हंटिंग कर सकें, और मेरी दुआ है आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा निकालते ही रहें और कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों को मिलता ही रहे। यहाँ पे मेरे से सवाल पूछा गया कि सर शिपमेंट कब तक आएगा, तो शिपमेंट 25 से 28 के बीच में आ जाएगा गज्जू वासु जी। और यहाँ पे नाइस वीडियो का कमेंट गेमिंग बॉय ने करा है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे जो शरद चंद्र ढोले जी हैं उनने बोला है कि क्या वेदर प्रूफ होती है क्विक ड्रॉ प्रो। तो दोस्त वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ ये सब मायने नहीं रखते वैसे डिटेक्टिंग करते में, आप खुद गीले होके कभी नहीं चलाना चाहेंगे डिटेक्टर, ये बात 110% है। इमरान अंसारी जी ने काफ़ी अच्छा कमेंट डाला है कि आपने डिटेक्टर की काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और क्या ये क्विक ड्रॉ प्रो ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस के साथ आता है। तो हाँ दोस्त, बिल्कुल ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये टर्न एंड गो मशीन है, काफ़ी अच्छी मशीन है और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है, इसमें हाई एंड के फीचर्स आते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, और इसके बाद जब डिटेक्टर आएगा तो इसका डेमो वीडियो मैं बहुत ही जल्द चैनल पर लेके आऊँगा, जो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर। चौधरी जी ने गोल्ड बग प्रो के बारे में पूछा कि गोल्ड नगेट हंटिंग करते समय गोल्ड कितनी गहराई तक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा 1 फिट 1.5 फिट, इससे ज़्यादा गोल्ड नगेट कभी भी गहराई पर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल गोल्ड जो है वो इतना भारी नहीं होता और छोटे कणों के कारण वो ऊपर ही रहेगा, और ज़्यादा बड़ा होगा तो और ज़्यादा ऊपर रहेगा, तो 1.5 से 1.5 फिट के लगभग ही रहता है, और डिटेक्टर आराम से इनको पकड़ता है, गोल्ड बग प्रो खूब आराम से पकड़े। यहाँ पे जोल जी ने काफ़ी अच्छा कमेंट करा था कि रजत भाई आप ही से डिटेक्टर लेना है और आप वीडियो जल्दी से जल्दी चैनल पर लाया करो। तो दोस्त बहुत ही जल्द मैं वीडियो ले लेके आऊँगा आप आने वाले टाइम में, और आपने डिटेक्टर की बुकिंग डाली है, आपका डिटेक्टर 28 तारीख के लगभग लैंड हो जाएगा, और आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि आप पेमेंट तैयार रखें और डिटेक्टर आपका कुरियर द्वारा निकाल दिया जाएगा। अच्छा, साद खान जी ने नाइस भाईजान लिखा है, तो साद भाई आपने बहुत ही अच्छा कमेंट करा, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए रोज़ नया नया वीडियो ले लेके आऊँ और आप सीख सकें।
तो यहाँ पे अजय वर्मा जी ने सवाल करा कि गोल्ड बक 2 कोई और मेटल नहीं पकड़ता, तो सर आप गोल्ड बक 2 की सेटिंग अगर उस तरह से करेंगे तो वो पकड़ेगा, और बाकी आप नगेट हंटिंग की सेटिंग पे चलाएंगे, आयरन डिस्क्रिमिनेशन ऑन रखेंगे तो वो कभी भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी हाई किलो हर्ट्स मशीन है और ज्वेलरी कॉइन वगैरह इन सबको तो वो छोड़ देता है। इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो सिर्फ स्पेशली नगेट हंटिंग के लिए बनाया गया, और गोल्ड प्योर जो 24 कैरेट में होता है उसी को वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेगा, उसी को ज़्यादा ढूंढने में माहिर रहेगा, और ये सिर्फ जंगलों में ही चला सकते हो आप, ट्रैशी एरियाओं में ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, जहाँ कचरा कूड़ा होगा ये कभी काम नहीं करेगा। मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, उन्हीं में से एक ये जयदीप पटेल जी ने करा था कि घर चलाने को सर पैसे नहीं होते तो डिटेक्टर कहाँ से लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, आपको लेना भी नहीं चाहिए, जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप उसी पर निर्भर रहिए। मैं नहीं चाहता आप ऐसी हॉबी में आएँ जो सपनों की दुनिया से काफ़ी अलग हो। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे, मेरे को प्रदीप जी ने पूछा था कि कितनी कीमत है, लेकिन सर डिटेक्टर का नाम अगर आप लिख देते तो मैं आपको सारे डिटेक्टरों की कीमत बता देता। बाकी प्राइस के लिए आप मेरा सबसे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं चैनल के अंदर। यहाँ पे इमरान अंसारी जी ने जो मेरे को कमेंट करा कि फेंट सिग्नल क्या है, तो फेंट सिग्नल मामूली से सिग्नल होते हैं जो डिटेक्टर पकड़ता है, और इसके ऊपर मैं डिटेलिंग के साथ एक वीडियो लाऊंगा। और पिन पॉइंटर का रेट कितना है, तो दोस्त पिन पॉइंटर का रेट काफ़ी कम है, 18,000 के लगभग ये GST के साथ पड़ जाता है। प्रेम जी ने यहाँ पे कमेंट करा था कि मेरे को साउंड सुनना अच्छा लगा, टू टी कू पी, तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको साउंड स्वीट साउंड सुनने में काफ़ी मज़ा आया। और दूसरी चीज़, यहाँ पे G2 का हैंडलिंग वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, G2 के ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट डेमो वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को चैनल के ऊपर देखने मिल जाएगा। वेल, तो फ्रेंड्स ये थे सारे आपके कमेंटों के जवाब, और काफ़ी जो अच्छे कमेंट लगे मैंने उनके ये सारे जवाब दिए हैं आपको, और आप लोग लिखते रहिए मेरे को ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, आपके सवालों के जवाब देता रहूं। और मेटल डिटेक्टर बुक कराने के लिए कॉन्टैक्ट करें विश्व मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। अब आप लोगों को करना क्या है भाई, सबसे पहले तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेटल डिटेक्टर का गिव अवे है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखो। नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिंक की डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहा हूँ, वो वीडियो के एंड में और पहले भी आता है, तो कॉन्टैक्ट करो मेटल डिटेक्टर खरीदने के लिए। ये आपकी स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेटल डिटेक्टर की बुकिंग डाल सकते हो जिससे आप मेटल डिटेक्टर खरीद सको। और आप लोग सबसे ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर अभी भी मेटल डिटेक्टिंग समझ में नहीं आ रही तो एक बार फिर से नीचे से वीडियो शुरू करो मेरे चैनल के अंदर खोल के, जिससे आप मेटल डिटेक्टिंग सीख सको। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।